मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर जिस तरह से यह अंदेशा एक लग रहा है कि मंजू वर्मा को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ऐसे में सिवान जिले के जेडीयू नेता मंसूर आलम ने मुख्यमंत्री से यह गुहार लगाई है कि हमारे सिवान जिले से एक मंत्री पद दिया जाए जिसमें महिला को ही मंत्री पद दिया जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन अंदर ही अंदर कविता सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। आइए सुनते हैं मंसूर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को क्या कुछ कहा। का समीक्षा बैठक था जो बिहार से और दिल्ली से, प्रदेश से और सेंट्रल से हमारी टीम आई हुई थी, जिसमें जिसको जो बोलना था बोला, जो संगठन पर बात हुई, विकास पर बात हुई, सब कुछ हम सुनने के बाद हमने कहा एक मुद्दा कोई नहीं उठा पा रहा है ताकि हमारा जिला को छाट कर चला जा रहा है। चार विधायक, चार MLC जिस जिला में हो वहाँ एक मंत्री नहीं हो, उस जिला का कैसे विकास होगा। इसलिए हमने बिहार सरकार के CM और हमारे पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से डिमांड हम लोग किया है कि सिवान में किसी एक को मंत्री बनाया जाए ताकि सिवान का कोई प्रतिनिधि मंत्री बनता है तो हमारा सिवान का गर्व बढ़ेगा। इस नाते हमने कल डिमांड किया और आप लोगों के माध्यम से जिलावासियों को और देशवासियों को बताना चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू की धरती है, हमेशा इस धरती पर एक दो मंत्री रहा। आज बदकिस्मती है ये सरकार में हमारे एक भी मंत्री नहीं, इसके पहले के गठबंधन में व्यास प्रसाद जी मंत्री थे। इस बार कोई मंत्री न होने का हम बहुत अपने आप को बहुत हीन समझ रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि आपके माध्यम से हमारे CM को और हमारे स्टेट के जो भी पॉलिटिशियन हैं उनको बताया जाए एक हमको इस महीना का अंत तक किसी एक को मंत्री बनाया जाए, यही हमारा डिमांड है और हमारे सिवान के पब्लिक का भी यही डिमांड है, हमारे पार्टी का भी डिमांड है। इसी के लिए हम आप सब लोग बुलाए कि आप लोगों के सहयोग से अगर ये बात हो जाती है हमारा मेहनत स्वार्थ हो जाए। हम तो ये नहीं बता सकते इसलिए कि ये मामला जो है ऊपर का है और हम किसी एक का नाम लें ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है जो नज़र आ रहा है सामने मुजफ्फरपुर वाला जो घटना चल रही है, हम मुजफ्फरपुर के मंत्री के साथ जो कल वाकया हुआ, इसलिए हमको लग रहा है कि जैसे महिला का सीट है कोई महिला ही आएगा, जो हमारे जहन में कल से बात आ रही है। अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे ना, लेकिन कल से पत्रकारों के साथ हो सकता है कोई महिला ही बने। आपका इशारा कविता सिंह की तरफ है। कविता, हमने कहा कि महिला का कोटा आ रहा है, महिला का छोड़ के दूसरा के चांस नहीं, तो झूठ हम क्या बोला जाए कोई बन जाएगा, महिला का ज़्यादा चांस है। आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को मानने जा रही है? अगर मानने नहीं है तो हम लोग पार्टी में कहा है भाई, जब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग अपना दिल का बात बोलिए, आवाज़ बोलिए, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो अपने दिल का बात हमारे लिख कर भेजिए, हर रविवार को हम सुने। अगर आज हमारे दिल का बात सुनना है तो हमारे सिवान जिला में हम लोग डिमांड किया है, और कविता सिंह के बात आप कहिए दुनिया को, हमने कहा कि महिला बने। महिला का कहा तो क्योंकि महिला वही है, ये कहने का मतलब महिला का बीमारी हम देखे हैं कि हो रहा है घटाया जो हटाया जो, तो वक्त आया तो महिला बने तो बड़ी खुशी की बात होगी, किसी जेंट्स का लड़ाई नहीं रहेगा। क्या मंजू सिन्हा हटाई जा रही है? कल हमने देखा मीडिया वालों के साथ, इसलिए हम हटाने के बाद हम किसे कह सकते हैं, जो सिचुएशन कल देखे हो सकता है वो इस्तीफा दें, हटाने की तो बात नहीं। इस नाते हमने कहा अगर इस तरह का मौका मिल जाए तो कविता बना दिया जाए तो अच्छा है।